मेरे प्यारे आका अली सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक सुन्नत में आपको बताने चला हूं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, पे अटेंशन हियर। आपने देखा होगा कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें फिक्र होती है कि हम अपने घर में सफाई करें। औरतें खासतौर से देखिए, या गांव वालों को आप देखिए, आप तसव्वुर करो अपने अब्बा का, अपने दादा का, सुबह होते झाड़ू लेके निकलते हैं, घर में कचरा निकालते हैं, बाहर भी कचरा निकाल, आंगन में भी सफाई करते हैं। इसी तरह जब रात होती है सोने से पहले कचरे में सोते क्या? नहीं। सुबह उठते तो कचरा रखते क्या? नहीं, सफाई करते हैं। उनसे पूछो आप ये सफाई क्यों करते हैं, व्हाई डू यू क्लीन इट, तो वो कहेंगे इसलिए कि इस घर में हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं वहां गंदगी रख नहीं सकते। मैं पूछता हूं जिस घर में रहते हैं हम वहां उसको गंदा नहीं रख सकते, तो इस दिल में तो हुजूर रहते हैं, इसकी भी तो सफाई होनी चाहिए। उनकी यादें रहती हैं, सुभान अल्लाह, उसकी भी तो सफाई होनी चाहिए, है ना, उसकी सफाई कैसे करें। मेरे आका की सुन्नत है, सुबह शाम मेरे सरकार 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़ा करते थे, इससे दिल साफ होता है, गुनाह माफ होते हैं, रोजी में बरकतें होती हैं, औलाद की बरकतें होती हैं, बागात में फल आते हैं, बारिश नहीं हो तो बारिश भी नाजिल होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, फकुलतुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा। इस्तिगफार की बरकतें इन आयतों में हमने देखी, सिर्फ गुनाह नहीं माफ होते बल्कि जो बेनिफिट्स और मैंने बताए। क्या आज से हम ये आदत बनाते हैं कि रोजाना सुबह शाम 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़ेंगे इंशाल्लाह? कौन कौन तैयार है, बोली जल्दी से, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा क्या पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बता दूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, पढ़िए। अगर इतना न पढ़ सको तो कम से कम अस्तगफिरुल्लाह 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 ये भी अगर पढ़ लो। तो मैंने कैलकुलेट किया, एक जगह में गया था, गांव था छोटा सा भी, गुजरात में कच्छ में गया था, अभी लास्ट वीक की बात है, संडे की। वहां बेचारे मेहनत करने वाले लोग, उनसे मैंने कहा, वो कल बोले कि इतना टाइम हम कहां से लाएं कि 100 बार सुबह शाम पढ़ने की कोशिश करें, कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा अभी शुरू करो और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़ो और घड़ी लगाओ। उन्होंने घड़ी लगाई, मैक्सिमम 3 मिनट्स, 3 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 3 मिनट्स इन द इवनिंग। मैंने कहा 3 मिनट नहीं आपके पास? बोले तो वो तो है। मैंने कहा पढ़ो ना फिर, सुभान अल्लाह। तो आपके पास भी 3 मिनट नहीं है क्या? तो रोज करेंगे कि नहीं? खाली है बोल के नहीं जाना, इसको करके देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमा।